हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इस्तान, टेक ज्ञान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मल्टी चैनल नेटवर्क के बारे में, MCN के बारे में, MCN क्या होता है और YouTube पर MCN के फायदे क्या है, कौन सा MCN बेटर रहेगा आपके लिए, क्या MCN ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, और क्या क्या इसके छोटे छोटे क्राइटेरिया है, क्या इसे फॉलो करना पड़ता है, एडसेंस अकाउंट में पैसे देता है या कहां पैसे देता है, इन सारी बातों के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं MCN होता क्या है। दोस्तों MCN होता है मल्टी चैनल नेटवर्क। मल्टी चैनल नेटवर्क मतलब एक ऐसा चैनल या फिर एक ऐसा चैनल जहां पर बहुत सारे चैनल्स हों। बहुत सारे चैनल्स मतलब मान लीजिए मैं एक बंदा हूं, मेरा एक चैनल है, मेरे पास अगर 100 चैनलों का एक कंटेंट है कि मैं 100 चैनल को इकट्ठा कर सकता हूं एक जगह पर ले जाके टेक ज्ञान पे, ठीक है। तो ये हो गया मल्टी चैनल नेटवर्क, मेरा चैनल है जो वो मल्टी चैनल नेटवर्क है। लेकिन फिलहाल में ऐसा नहीं होता, फिलहाल में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति या फिर एक कंपनी ब्रांड एक वो कई सारे चैनल्स को इकट्ठा करती है और उन्हें अलग अलग तरीके से रेवेन्यू बांटती है और अलग अलग तरीके से उनका CPM मार्केटिंग बढ़ाती है, वो मल्टी चैनल नेटवर्क कहलाता है। इसका मतलब सबसे पहले वही हुआ कि एक नॉर्मल व्यक्ति के पास इतनी पावर नहीं होती, केवल यूट्यूब वालों के पास पावर इतनी होती है कि वो अलग तरीके से उन्हें रेवेन्यू दे सकें एडसेंस के अलावा। तो एक MCN यूट्यूब का ही एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम होता है वीडियो पर एड्स डालने का, जो अलग अलग तरीके से वीडियो पर एड्स डालते हैं। अगर आपके यूट्यूब पे आप वीडियो डाल रहे हैं और आप एडसेंस मोनेटाइज नहीं करना चाह रहे हैं किसी कारणवश या फिर आपका एडसेंस अकाउंट बंद हो गया है, तो आप MCN ज्वाइन कर सकते हैं, मल्टी चैनल नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप बहुत सारी चीजों से बचे रहेंगे। सबसे पहले आपका क्या काम होगा, मल्टी चैनल नेटवर्क ज्वाइन करने के बाद में आप एक तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, आपका थोड़ा सा कमाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी कमाई का 100% हिस्सा आपको नहीं मिलेगा। आपकी कमाई का आपको 60% हिस्सा या फिर 45% हिस्सा या फिर 50% हिस्सा ही आपको मिलेगा, बकाया MCN रखेगा, जितनी कमाई आपकी होगी उसका MCN को जाएगा, ठीक है। MCN आपके व्यूज को बढ़ाएगा, आपकी वीडियोस पर जो व्यू आ रहे होंगे उन्हें बढ़ाएगा, आपकी क्वालिटी बढ़ाएगा चैनल की, आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आने से बचाएगा वो, और CPM बढ़ाएगा आपका। तो बहुत सारे फायदे होंगे, छोटे छोटे फायदे होंगे अगर आप एक मल्टी चैनल नेटवर्क ज्वाइन करते हैं तो। काफी छोटे छोटे से फायदे हैं, मगर फायदे तो ऐसे छोटे छोटे से YouTube चैनल पर होता है, ये तो आपको ही पता होना चाहिए। अगर आप एक YouTube चैनल चलाते हैं तो आपको पता है CPM बढ़ने से आपका कितना फायदा होना है। अगर CPC आपकी पड़ रही है 10 व्यूज पर, अगर आप 1.5 रुपए कमा रहे हैं, 1 रुपए कमा रहे हैं या फिर $1 कमा रहे हैं 10 व्यूज पर, अगर सोच लीजिए अगर CPC आपकी 10 गुना बढ़ गई तो आपको, अगर आप उसे पैसे भी दे रहे हैं कंटेंट MCN वाले को पैसे भी दे रहे हैं अगर आप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर इससे मल्टी चैनल नेटवर्क से आप ज्वाइन करने के यही फायदे हैं छोटे छोटे से। कौन कौन से मल्टी चैनल नेटवर्क इस समय अच्छे हैं, तो दोस्तों फुलस्क्रीन है, फ्रीडम है, कई सारे ऐसे मल्टी चैनल नेटवर्क हैं। किसी के मैं यहाँ पर स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप उसका क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा कि उसमें कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कि 2 साल के लिए आपको इस मल्टी चैनल नेटवर्क पे पैसे देने ही देने हैं लगातार, आप 2 साल तक इसे छोड़ नहीं सकते या फिर 1 साल तक इसे छोड़ नहीं सकते। तो अगर ऐसा लिखा हुआ भी है तो आप समझ सकते हैं कि आपको कहां तक फॉलो करना चाहिए, 1 साल, 2 साल या फिर 5 साल तक लिखा हुआ है तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि 5 साल तक आप लगातार ना वीडियो डालेंगे और आपका हो सकता है कि कभी चैनल एक इतना ग्रो भी कर जाए कि 20 लाख या फिर 50 लाख आपके पास सब्सक्राइबर हो, आप छोड़ना चाहें तो भी आप छोड़ ना पाए। तो ध्यान रखें कि आप किसी भी मल्टी चैनल नेटवर्क को साइन करने से पहले आप उसका फायदा और नुकसान दोनों चीजें जान लें कि क्या है उस मल्टी चैनल नेटवर्क के फायदे। फिलहाल में आप फ्रीडम या फुलस्क्रीन दोनों में से कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों अच्छे ही। अगर आप मल्टी चैनल नेटवर्क ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका CPC, CPM और RPM आपका दोनों चीजें, तीनों चीजें समझ लीजिए दिन में 4-5 बार बढ़ती उतरती है, जो एडसेंस में वो नहीं बढ़ेंगी उतरेंगी, इकट्ठा बढ़ जाएगा आपका एक ही बार में वो बढ़ा ही रहेगा, और आपकी वीडियोस को थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, थोड़े से आप ग्रो हो जाएंगे चैनल पे, फिर थोड़ा सा आपका वीडियोस के व्यू बढ़ जाएंगे। ये है इसके फायदे, और थोड़ा सा एक आध नुकसान भी है, वो है रेवेन्यू का कटकर मिलेगा आपको, और छोटे छोटे और दो एक नुकसान है लेकिन वो बड़े मायने नहीं रखते। चलिए तो आपके लिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।